स्टे कर रही हूँ एलएमएच कॉटेज के साथ, और आज मैं आपको इस जगह के बारे में बताना चाहती हूँ, स्पेशली उन लोगों को जो वर्क फ्रॉम माउंटेन्स करना चाहते हैं. यू नो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस विद द फूड, विद ग्रेट इंटरनेट एंड मैनी अदर थिंग्स. सो स्टार्ट करते हैं अपने ब्लॉग के साथ, और सिर्फ ये नहीं, आई एम गोना कवर वन कैफ़े ऑल्सो. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. विद दिस ब्यूटीफुल व्यू आई एम इन मनाली राइट नाउ, और व्यू बहुत प्यारा. बट व्यू के साथ साथ पता तुम्हें इस जगह की सबसे बड़ी खासियत, अगर आप वर्क फ्रॉम माउंटेन्स देख रहे हो, सो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू स्टे. मतलब मैंने तो कल सिर्फ व्यू का डिस्कशन किया था, बट आज आपको मैं बताऊँगी कि अगर आपने यहाँ काम करना है तो यहाँ की इंटरनेट स्पीड बहुत अच्छी है, और उसके अलावा आपको खाना भी इन हाउस मिलता है. मैं इसके रेट ज़रूर डिस्कस करूँगी, क्योंकि जो वर्क स्टेशन वाले होते हैं वो मोस्टली एक महीना स्टे करना चाहते हैं, नॉट फॉर द सम डेज. सो आई एम गोना डिस्कस एवरीथिंग विद यू इन दिस वीडियो, एंड लेट्स स्टार्ट इट. अभी मॉर्निंग का टाइम है, सो इट्स लाइक नाश्ता भी नहीं किया, एंड यू वॉन्ट बिलीव कि हर फ्लोर पर जो है इनके इंटरनेट के वो लगे हुए हैं लाइक दिस. सो आई एम गोना डिस्कस यू अबाउट दिस प्लेस मोर टुडे. पता है यहाँ पे जो है ही इज़ फ्रॉम हैदराबाद. मैं पूछती हूँ आज अगर ही विल बी देयर इन द वीडियो. सो गाइस, यहाँ पे जो खाना है वो सारा इन हाउस है. अभी किचन थोड़ा सा मेस्ड अप है, क्योंकि भैया अभी बहुत सुबह से काम करके हटे हैं. भैया यहाँ पे नेट कैसा आता है, इंटरनेट अच्छा ना? मतलब यहाँ पे लोग अगर आके काम करना चाहें तो दे कैन डू, और खाना आप बनाते हो सारा, क्या बात है. तो मोमोज भी बनाते हो कभी कभी? अच्छा, ओके, बन जाएगा वैसे. अरे भैया आप बहुत सही हो खाना बनाने में, रात का खाना सच में बहुत अच्छा था. तो यहाँ कितने लोग अगर आते हैं, मतलब काम करने के हिसाब से महीने में? फुल रहता है. ओके, मोस्टली मतलब वो लोग आते हैं जो जिनको वर्क फ्रॉम माउंटेन्स करना है, वही आते हैं ना? तो ये मेरे सैंडविचेस है. तो मैं खाना स्टार्ट करती हूँ आजकल ब्रेकफास्ट. सो ये रहा मेरा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट विद द सैंडविचेस एंड विद द कप ऑफ कॉफी. और भैया यहाँ पे बहुत अच्छा नाश्ता बनाते हैं. दिस यहाँ पे इंटरनेट स्पीड सच में बहुत अच्छी है, जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ एक सॉफ्टवेयर ब्रॉडकास्ट के लिए, एंड स्पीड तुम्हें क्या लगता है मतलब कितनी स्पीड आ रही है उस पर फाइबर पे? 50 Mbps वाला प्लान होगा. 50 Mbps? हम आपसे प्लान नहीं पूछ रहे, हम स्पीड पूछ रहे हैं. स्पीड अगर प्लान 50 Mbps वाला प्लान है, तो अगर 5G चल रहा है इनका अच्छे से, तो आराम से 55-60 Mbps की स्पीड होगी. और अगर 4G यूज़ कर रहे हैं तो आराम से 25-30 Mbps की स्पीड होगी. हम अच्छा, तुम्हें क्या लग रहा है कैसा चल रहा है नेट यहाँ पे? तुमने ट्राई किया? आराम से 40-45 Mbps की स्पीड होगी, अच्छा चल रहा है. ओके, सो गाइस मैं यहाँ पे स्पीड टेस्ट ट्राई करने वाली हूँ, एंड हियर वी गो. 3, 2, 1 आ जा. ओ माय, मतलब आई गेस यहाँ का नेट सच में बहुत अच्छा है, बट मुझे काफ़ी अच्छी स्पीड आ रही है. अब मैं अपलोड पे भी अगर बात करूँ, तो मैंने सुबह कुछ अपलोड करने का ट्राई किया था, आई विल चेक दैट एज वेल. ओ माय गॉड, लुक एट द स्पीड गाइस. सो गाइस मेरे साथ निखिल ने जो यहाँ पे रह रहा है, निखिल को यहाँ रहते हुए कितना टाइम हो गया? निकल कैमरा शाय हो ना? अबाउट 3 weeks. हाँ, कैमरा शाय हो? ऐसे तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है ऐसा. नहीं, जस्ट अ लिटिल क्वेश्चंस अबाउट द प्रॉपर्टी. हाँ, जस्ट थोड़े मोरे क्वेश्चंस अबाउट द प्रॉपर्टी. ठीक है, तो क्या एक्सपीरियंस है आपका, मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा इंटरनेट का, काम का सारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? आ जाए आपके पास. इंटरनेट इज सीमलेस, नो पावर कट्स. Achha. Everything is good. It feels like a home. And how about the food? Food, I come from Hyderabad. It's a different food, but I am accustomed to this food already because I studied at Bombay. Achha. So the food is similar. Food is similar? Food is similar. And anyways, even if I don't like something, I can order. Achha, order. Yahan pe order aata hai? Haan, not order, but there is staff which helps. The staff is yeah, there's the a food. Menu. There's a menu here. Okay. And we can order anything we want from that menu. You know, it's a budget friendly or budget se bahar jaane wali cheez. This is I don't think it is in the budget.
it's above budget. Above budget. Yeah. अच्छा, तो somebody is looking for the place, तो कितना salary slab के according? Like I'm actually I have no experience. Like नहीं, मैं तुम्हारे salary नहीं पूछ रही. हाँ हाँ. Don't think that way. No. I'm not asking what you are earning right now. See, अच्छा, okay, above budget है. I totally got it. And another thing I really want to ask you, like, you know, internet speed is okay, काम okay चलता है. Like there were a few people who came here a few weeks ago. Mm-hmm. Like everybody were working in some corporate MNC banks. Okay. I think they're well paid and well paid people. Yeah, well paid people. I felt like that, and yeah. Because this place is not a big issue for them here, but okay. I think this is a low budget. Okay, this is place will cost you for a month like 27k to 30k, na? Yeah. With food. Yeah. Right. तो 27k टू 30k होगा अगर आप विद फूड देख रहे हो रेगुलर बेसिस पे रहने का देन ओके मतलब पीसफुल तो है ये जगह वर्थ इट है मैंने तब मैंने पीस ही ला दिया ना आके कल कमरे से बाहर से निखिल डोंट वांट ऐड ऑन कि मैंने कल रात से पीस ही लाया हुआ यहाँ के Actually, I did not expect like somebody coming here. Like, acha. Even the staff did not inform me, so I was not expecting you. And somebody suddenly opened the room, and it was you. It was me. Like, I asked the staff, "Ki pata hai mujhe actually mujhe ye room dekhna." So he was like, "Okay, but is mujhe Imran toh koi hai?" Uh-huh. And mujhe bhi wo surprise mila. जो होगा दैट रूम इज एक्चुअली बहुत प्यारा मुझे पसंद आया वो No, the room which in which the you are staying actually not I am staying but the other rooms which I am there in yeah that is also good room Yeah, they have the valley view. The valley view, actually, they have the valley view. This view right now. Achha, you have this view, but yeah. This is also beautiful. You won't believe when I was here last time, yahan pe Manali, so there was all, pura snow tha, sab snow se covered tha. Yeah. In the beginning when I came on February 28th, and this mountain was covered with snow. Achha. Now it's not. Now it's not. The parts of the higher parts are covered. Ye bhi hat jayega, pata hai. भी हट जाएगा दिस मंथ ऑफ लाइक अभी जो आने वाले मई जून तो ये सारा हट जाएगा अभी ये सारा स्प्रिंग सीजन स्टार्ट हो गया सो वेयर हैव यू बीन इन मनाली अभी सोलांग वैली रोहतांग I should plan. I haven't visited that place yet. Achha. I just went to Old Manali and Haridwar Temple. Haridwar Temple is pretty famous in Manali. I visited to a few cafes. Atrangis. Atrangis is their cafe. It's amazing. The food is actually amazing. Yeah. Okay. बस ठीक है थैंक यू तुम गुंडा नहीं लग रहे बिल्कुल भी नहीं लग रहा सोचो भी सो फिलहाल मेरे साथ एक और है जो आई थिंक 3 महीने से रह रहे हो यहाँ पे 3 महीने से रह रहे हो पता है यहाँ मौसम बिगड़ गया बारिश होने वाली है मतलब चांसेस तो हैं बारिश के और बहुत दिनों से ना सनलाइट थी आज बारिश का मौसम आज बारिश का मौसम बन गया है एंड आई थिंक सो कि मुझे इनसे बात करनी चाहिए क्या नाम बता दो मुझे मतलब जितने भी जो घर पे वर्क फ्रॉम होम वाले बंदे हैं हाँ। वो सारे इधर आके काम करते हैं मतलब सारे इधर आके हाँ काम करते क्योंकि व्यू भी है साथ में उनको अच्छा भी लगता है कि हम काम करें और साथ में व्यू भी दिखे और मैं आपका नाम है प्रियम तो प्रियम भी हमारे साथ है प्रियम यहाँ पे 3 महीने से रह रहे गाइस आप भी 3 महीने से रह रहे हो प्रियम भी 3 महीने यार इनको प्यार हो गया यहाँ से क्या जनवरी से रह रहे हो जनवरी में तो स्नोफॉल था मैं भी आई जनवरी बहुत ज्यादा ही स्नोफॉल हो गया यहाँ तक गाड़ी मेरे को लगता नहीं है गाड़ी ना जनवरी में ऊपर आ जाती है यहाँ पे जनवरी में स्नो के टाइम पे नहीं आती ओनली 4x4 ओनली 4x4 तो 4x4 यहाँ चल रही होती होंगी इस टाइम पे छोड़ने के वजह से अच्छा क्योंकि मुझे पता है कि मैं नीचे रुकी थी तो वहाँ तक गाड़ी पहुँचाना बहुत टफ हो गया था चार्ज लॉट इन द टाइम ऑफ स्नो बट पॉसिबल है आप आ सकते हैं
सही है, एक ही बार सही होगा उसका चार्ज, क्योंकि अटैची पहुंचाने के लिए, नहीं तो पैदल घूमते घूमते ही आ जाएंगे ऊपर, क्योंकि आई सॉ स्टेयर्स नीचे ना, नीचे से आते हुए अगर स्टेयर्स से आप लोग नीचे जाते हैं, विल टेक यू 15 मिनट्स टू रीच डाउनस्टेयर्स. And there's a way to go to the Hidimba Devi temple. अच्छा. 2 घंटे का ट्रैक है. अच्छा यहाँ से पूरा जाके. अच्छा वॉकिंग का वो स्टेयर्स से. स्टेयर्स से सीधा रास्ता. सीधा रास्ता. कुछ नहीं है ये Hidimba temple का एक ट्रैक भी है गाइस. मुझे अब पता चला कि Hidimba temple का एक ट्रैक है. चलो. बोलो. यहाँ पे ऐसे रास्ते हैं जो आपको मतलब यहाँ से बहुत अलग है. मतलब आप यहाँ से एक छोटा सा रास्ता है जो सुलांग वैली की तरफ लेकर जाता है. अच्छा सुलांग वैली के लिए शॉर्टकट है? शॉर्टकट नहीं है, लंबा रास्ता है थोड़ा. अच्छा बट वो पैदल है. ब्यूटीफुल पैदल पैदल का रास्ता. सो आई थिंक यहाँ पे बहुत ही सारे ट्रैक्स हैं, है ना. चलो थैंक यू गाइस, इट वाज नाइस टॉकिंग यू. मैं यहाँ से जा रही हूँ अतरंगी कैफे, जो कि इन्हीं की दूसरी प्रॉपर्टी है. हाँ हाँ मुझे पता है, मुझे प्राइजेस और भी शेयर करने हैं डिटेल में, तो मैं आपसे शेयर करूंगी. फिलहाल चलते हैं अतरंगी कैफे की तरफ. सो गाइस ये जो रास्ता है ना, यही बहुत खूबसूरत है यार. मतलब अभी ना एक वाटरफॉल आएगा छोटा सा. आप चाहते हो क्या मैं राकेश के साथ प्रैंक करूं, तो मुझे कमेंट करके बताओ मुझे क्या प्रैंक करना चाहिए, क्योंकि मेरे को बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है प्रैंक की. अभी ना इस रास्ते में आगे वाटरफॉल भी आएगा, ये ऊपर विलेज है छोटा सा. इस विलेज पर इस जगह का नाम है, मैं नाम भूल गई, मैं शेयर करूँगी आज, नीचे लिख दूंगी मैं. चलो चलो वो देखो रास्ता कितना खूबसूरत है ये रास्ता. पूरा छोटा सा वाटरफॉल मैं पता नहीं नजर आ. तो मैं आ चुकी कैफे अतरंगी, जो उनकी सेकंड प्रॉपर्टी है. मतलब यहाँ पे दूसरी और भी प्रॉपर्टी है उनकी बगल. दिस इज़ लाइक अगेन अटैच टू रिवर विद कैंप काजा 183. अब तो रास्ते ही नहीं खुले होंगे सारे. ले 427. हाय हाउ आर यू, पहचान गए होगे आप तो. गाइस वाईफाई का पासवर्ड चेक करो, इनका पिज़्ज़ा बहुत अच्छा है पता है. और वाईफाई का पासवर्ड देखो अतरंगी का, सब मोह माया है. आई लव दिस प्लेस यार. ऊपर से पानी साइड में बहता हुआ, व्यास नदी. पर अभी ठंड में मरने का प्लान नहीं है, बहुत यहाँ पर ठंड लग रही है. आई सिट इनसाइड. इनका इंटरनेट बहुत अच्छा है और बहुत क्लासी है काम करने के लिए. सो प्रॉपर्टी का रेट आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हो, और आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो. वेल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड हाँ पार्किंग अवेलेबल है. See you tomorrow with the next vlog, and मनाली से आके चलते हैं इस बार कहीं दूर.